बिहार में एक पोस्टर लगा और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। हुआ ये कि सम्राट चौधरी को बीजेपी के बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। फिर पटना में एक पोस्टर लगा और नीतीश तेजस्वी यादव का पारा हाई हो गया। पोस्टर में बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तुलना बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई। इसके बाद से बिहार के सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजद लालू प्रसाद यादव के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है। सम्राट चौधरी की बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पब्लिक डोमेन में काफी चर्चा तेज है कि बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने एक तेज तर्रार युवा नेता को खड़ा कर दिया है। तो आज जान लेते हैं दोनों नेताओं की क्वालिटीज के बारे में। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की अलग अलग खूबियां हैं। कुछ बड़ी खूबियां ऐसी हैं जिसकी वजह से सम्राट चौधरी के अंदर बीजेपी को स्पार्क दिख रहा है। हालांकि किसी एक नेता की तुलना दूसरे नेता से नहीं की जा सकती, सबकी अपनी अपनी खूबियां होती हैं। लेकिन जनता भी आखिरकार वोट डालते समय सोचती जरूर है कि किसको वोट किया जाए। सम्राट चौधरी आरजेडी में रहे और जेडीयू में भी, इसके बाद अब वो भाजपा में है। इस इतिहास के बावजूद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा पद दे दिया है। सम्राट चौधरी ने इस संकल्प के साथ पगड़ी बांध रखी है कि जब नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ेंगे तब ही वो ये पगड़ी खोलेंगे। नेता की छवि से पार्टी की छवि भी बनती है। हालांकि अभी चुनाव का समय नहीं है, लेकिन 2024 का समय बहुत दूर नहीं है जब लोकसभा चुनाव होने हैं। दोनों की अब तुलना कर लेते हैं। पहला, पिता का छाया। तेजस्वी यादव पर लालू प्रसाद की छाया जिस तरह से है, उस तरह से सम्राट चौधरी पर शकुनी चौधरी की नहीं। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद हैं, जबकि बीजेपी के सुप्रीमो शकुनी चौधरी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा हैं। आरोपों की बात कर लेते हैं। तेजस्वी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और वो सीबीआई सहित ईडी जैसी संस्थाओं के घेरे में है। सम्राट चौधरी पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। तेजस्वी की परेशानी भविष्य में और बढ़ सकती है। तीसरा, दोनों मुखर नेता। तेजस्वी मुखर नेता हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कई बार दिखा चुके हैं कि वो अधिक मुखर हैं। एक बार तो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष से सम्राट ने कह दिया था कि ऐसे सदन नहीं चलेगा, अध्यक्ष महोदय व्याकुल नहीं होना है। हालांकि तब विजय सिन्हा अड़ गए थे और सम्राट को माफी मांगनी पड़ गई थी। हाल के समय में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में सम्राट से कहा कि वो तो पार्टियों से होकर बीजेपी में आए हैं, तब सम्राट ने भी नीतीश को करारा जवाब दे दिया था। चौथा कारण, अपने अपने संकल्प। तेजस्वी और सम्राट दोनों संकल्प लेने वाले नेता हैं। 24 मार्च 2021 को जब बिहार विधानसभा में आरजेडी के कई विधायकों की पिटाई के साथ ही महिला विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, तब तेजस्वी यादव ने संकल्प लिया था कि सरकार जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती वो सदन में नहीं आएंगे। कुछ पर कार्रवाई हुई और तेजस्वी विधानसभा जाने लगे। अब सम्राट चौधरी की बात कर लेते हैं। उनका संकल्प था कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटेंगे वो अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। जाति की ताकत। तेजस्वी के पास यादव जाति का बाहुबल है, जबकि सम्राट के पास कुशवाहा जाति का। बिहार में यादव का वोट बैंक 14% है, जबकि कोयरी कुर्मी का 8%, यानी यादव के बाद संख्या बल में कोयरी कुर्मी की यहाँ ताकत है। आरजेडी के साथ मुस्लिम का गठबंधन और बीजेपी के साथ सवर्ण का गठबंधन, सम्राट इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। सम्राट चौधरी जाति से कुशवाहा हैं, राज्य में कुशवाहा अच्छी संख्या में है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अलग होकर मोर्चा खोल दिया है। अब जगदेव प्रसाद की राजनीतिक विरासत संभालने की बड़ी जवाबदेही सम्राट चौधरी पर है। ये युवा नेता हैं, आक्रामक शैली की राजनीति करते हैं, विरोधियों को सीधे जवाब दे देते हैं। राजनीति विरासत का भी लाभ उन्हें मिलता है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इस लिहाज से सम्राट तेजस्वी पर भारी पड़ते नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।